हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। ये है फाइनल पार्ट ऑफ कमिंग टू हैदराबाद बैक। गाइस चलते हैं अभी। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम चेंज कर लेंगे और चलेंगे हैदराबाद, बेंगलुरु टू हैदराबाद अभी। चलो क्या मैं यहाँ दिख रही हूँ? हाय तिलक, सब लोगों ने अभी बेडरूम खाली कर दिया है ना, हम लोग जा रहे हैं चलो बेंगलुरु टू हैदराबाद। चलो चलो चलते हैं। मम्मी कैसा लगा आपको बेंगलोर का सफ़र? लेकिन गाइज हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रह रहे हैं, अभी चल जाएंगे घर वापस। एंड यूट्यूब में वीडियोस ही नहीं गए हैं दो दिन। सो गाइज फिर कपड़े चेंज। मस्त दिख रही है मम्मी गाइज नया ड्रेस है, देखो। तो हम लोग जैसे ही होटल से बाहर निकले, उसके थोड़ी दूर पे ही ये देखो हनुमान जी का स्टैचू था, जहाँ पे कंधों पर लक्ष्मण जी और राम जी थे। ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे टेंपल भी था। रास्ते में बहुत सारे टेंपल्स एंड ऐसी जो है बड़ी बड़ी स्टैचूज थी, आपको सामने देखने को मिलेगा। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं शूट किया वो टेम्पल्स के। तो गाइज देखो कितने सारे जो है कोकोनट के ट्रीज थे, बहुत सारे थे। एंड वहाँ पे कोकोनट बहुत सस्ता मिल रहा था, अगर आप झाड़ के पास से लेते हो। ऐसे ही रखने के वो तो एक्सपेंसिव थे, बट बहुत सारे, मतलब रास्ते में बहुत सारे हमें दिखे। ग्रीनरी तो मत पूछो। एंड आजू बाजू में सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रीज दिख रही थी, एंड कोकोनट की ट्रीज दिख रही थी। माउंटेन्स ही माउंटेन्स थे। ये देखो गाइज बहुत सारी टेम्पल्स दिखी थी। यहाँ पे देखो पंचमुखी हनुमान जी का स्टैचू भी है, आप देख सकते हो। एंड ये ग्रीनरी देख के ना इतना ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। तो रास्ते में फ्रूट्स भी बहुत सारी दिखी थी, बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो हम लोगों ने ना जाम लिया था, ग्वावा एंड ऑल्सो काला जामुन लिया था। हम लोग जाम का जो है शूट करना भूल गए, बट हम लोगों ने काला जामुन का शूट किया था। वो देखो क्लिप्स आपको लगा देंगे हम लोग। ये देखो गाइज ये जो टेम्पल है, ये है सूरज भगवान का, सूर्य देव का। एंड यहाँ पे चार घोड़े हैं ऐसे बनाया रखा है, इतना मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा था ये। नहीं दिख रही तो अब दिख। अरे हाँ क्या है? हाय तिलक। तो गाइज़ हम लोग एक ढाबे पे रुके थे एक चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। एंड यहाँ पे आइसक्रीम्स थी। ऑलरेडी सर्दी हो गई है, मेरी आवाज़ से आपको पहचान रहे होंगे, ऑलरेडी सर्दी हो गई थी इसलिए हम लोगों ने आइसक्रीम नहीं लिया। कॉफ़ी पिया था एंड वाटर बॉटल्स ले ली थी, क्योंकि सफ़र में पानी चाहिए था वहाँ पर अगर शॉप्स नहीं होंगी तो इसीलिए। एंड ऑल्सो पकौड़े लिए थे पापा ने, आपको सामने क्लिप में दिखेगा। हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। देखो पहाड़ों का व्यू बाहर एकदम वाला। एंड यहाँ पे हम लोग रुके हैं देखो रॉयल ढाबा में, बहुत
बहुत अच्छा है रॉयल ढाबा। हम लोग खा रहे हैं पकौड़ी। हाय तिलक, हाय मम्मी। ये देखो गाइस, हम लोग पकौड़ी खा रहे थे एंड फिर रात हो गई थी इसलिए हम लोगों ने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था। एंड रास्ते में ना हम लोगों ने बिरयानी पैक करवा ली थी तो घर आके वही खाया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 11:30 बज गए थे तो हम लोग आके जो है फ्रेश अप होके खा के सो गए थे। हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया एंड नेक्स्ट डे भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे वाला जो भी हम लोगों ने शूट किया है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। ये रात में व्यू हम लोगों ने थोड़ा सा शूट किया था। मम्मी, हाय बेटा, तबीयत कैसी है आपकी अभी? थोड़ी ठीक है। थोड़ी ठीक है। पैर का दर्द कैसा है? कम है। एंड टिक्कू क्या कर रहा? What are you doing, Tilak? अच्छा, होमवर्क हो गया तेरा? थोड़ा है। अभी थोड़ा है? एक ही क्वेश्चन। अच्छा, देखो होमवर्क जारी है यहाँ पे, साथ ही साथ टीवी भी। मम्मी जी, क्या बना रहे हो? अच्छा गाइस, घर को आने के बाद दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो खा के बहुत शांति मिलती है अपने मन को। तो देखो अभी मम्मी दाल बना रही है। देखो गाइस, अभी वहाँ पे छौंक के लिए मम्मी तेल डाल रही है एंड यहाँ पे दाल बन गया है। राइस बन गया मम्मी? हाँ बन गया। ओके, तिलक तो ये जो आपने अभी तक क्लिप्स देखी हैं वो है हम लोग जब आए थे यहाँ पे उस दिन की सुबह का जो भी है शाम का वही था। एंड ये जो आप क्लिप्स देख रहे हो ये नेक्स्ट मॉर्निंग था। एंड मम्मी की थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है मम्मी का, इसीलिए मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ। एंड तिलक और मेरी दीदी चले गए हैं स्कूल और कॉलेज दोनों ही। एंड मम्मी का जो भी थोड़ा थोड़ा काम था जैसे टिफ़िन बनाना एंड घर झाड़ना वगैरह मम्मी ने कर लिया था। अभी थोड़े से बर्तन थे तो मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ। बर्तन मांजने के बाद पे व्लॉग लगा दिया मैंने देखने के लिए। एंड अभी मैं बर्तन मांजने के बाद जो है पूजा कर दूँगी। पूजा करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ मैं। मम्मी तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें पेन है लेग्स में, इसीलिए मैंने बर्तन मांज लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि कपड़े डाल देती हूँ, बट मेरे को नहाना है अभी। नहाने के बाद मैं वॉशिंग मशीन चला दूँगी। गाइस ये देखो, मेरे बुक्स टेक्स्ट बुक्स आ गए हैं, पापा ला के दे दिए हैं मुझे। अभी ये सीसी के सारे बुक्स हैं। देखो, एक है अकाउंटेंसी का, एक है कॉमर्स का, एंड यह है हिंदी, यह है इंग्लिश। एक मिनट में बताती हूँ। देखो इतनी सारी बुक्स है। यह है हिंदी, मैंने एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज होता है हमें लैंग्वेज चूज़ करने का, मैंने हिंदी लिया है तो ये लिए। एंड यह है इंग्लिश टेक्स्ट बुक, एंड ये है, ये भी इंग्लिश ही है। एंड यह रहा हमारा कॉमर्स, यह है अकाउंटेंसी का बुक, एंड ये है सिविक्स का, एंड ये है इकोनॉमिक का। अभी ये सारी बुक्स हैं, मेरे को ये बैग में रखनी है। एंड ऑल्सो स्टडी मटेरियल आना है, वो हमारे कॉलेज में ही देंगे ऐसे कहा है, पता नहीं कब देंगे। बट ये मेरे टेक्स्ट बुक्स आ गए हैं तो आसान होगा मुझे अभी पढ़ने में। तो गाइज मम्मी जो है रेस्ट करके उठ गई थी एंड यहाँ पे मैं मम्मी के लिए डोसे डाल रही हूँ। देखो मैं कैसे डालती हूँ। एंड तिलक और मेरी बड़ी दीदी चले गए हैं। मेरी दीदी गई है कॉलेज एंड तिलक गया है स्कूल। ऑफकोर्स मम्मी ने लंच बना के तिलक को दे दिया था एंड दीदी ने भी नाश्ता करके चली गई है। मैं रुक गई हूँ क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मैं मदद कर दूँगी, इसीलिए मैं थी। एंड यहाँ पर मैं मम्मी के लिए डोसे बना रही थी, मेरे लिए भी। ये हमारा ब्रेकफास्ट था तो क्रिस्पी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर और कुक होने दिया था। मेरे लिए भी मैंने डाल लिया है, मम्मी के लिए दो डाल के दे दिए थे मैंने। एंड ये अभी मैं खाऊंगी। देखो गाइस, मेरे को डोसा बनाना आता है, एकदम करारी बनी है। तो
गाइज़ मम्मी ने चावल और दाल तो बना दिया था, बट मेरे को आलू फ्राई खाना था तो दो ही आलू का मैंने फ्राई बनाया था। अब देखो एंड एंगल उधर इधर हो सकता है क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी और मैं ही बना रही थी। एंड मम्मी गई है नहाने। दो ही आलू का बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। मैंने मिक्स कर दिया और गैस का फ्लेम जो है छोटा कर दिया है। अभी हम इसे ढक के 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद नमक मिर्च डाल के हमारा आलू फ्राई बन जाएगा। मैं एक ही हाथ से शूट कर रही हूँ गाइस क्योंकि मम्मी नहाने गई है, वरना मम्मी शूट कर देती। मैं मिक्स करके आपसे मिलती हूँ। कैमरा भी हल्का होगा। मैं नमक डाल रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट। मिर्ची भी डाल रही हूँ। मिक्स कर दूँगी। देखो गाइस एकदम कुरकुरे हो चुके हैं। मैं इसे 2 मिनट्स ढक के पकाऊंगी, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। मैंने सारी कुकिंग छोटे आंच पे ही की है। देखो अभी 2 मिनट्स के बाद इसे बंद कर देते हैं। बन गया है तो मैं भी। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ कल। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो, कमेंट करो एंड लाइक करो।